आपको कैसी लगी? अच्छी बात है, मम्मी को बता के नहीं आई हुई। तीसरी दफा है यार, तीसरी बार देख रहे हो? तीसरी दफा भाई, क्या लगा यार? बेटे को मारने से पहले बाप से बात, क्या बात है, क्या बेटे से पहले बाप से बात कर। इस डायलॉग देखने के लिए हम 90 रुपए का टिकट 500 में लिया है। अच्छा, पूरे 11 टिकट लिए हैं। पूरे दोस्त मेरे इधर साइड में खड़े हैं। इधर दिखाओ, इधर इधर दिखाओ, दिखाओ, मेरा दोस्त लोग सब है। पूरा टिकट नहीं मिल रही, हाउसफुल किंग खान की तो हाउसफुल चलती है भाई, आपको बताइए। टिकट नहीं मिल रही, कल ट्राई करते नहीं मिली, आ जाओ आज भी नहीं मिल रही। क्यों फिल्म नहीं देखी गदर? नहीं, हम नहीं देखते गदर, पसंद नहीं है। एक ही हीरो पसंद है, शाहरुख खान। अच्छा, इसकी फिल्म देखना। पाकिस्तान से लोहा लेता है सनी देओल। किससे? पाकिस्तान से। हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना, हमें तो अपने हिंदुस्तान से मतलब है। हाँ। हमें तो हिंदुस्तान खाने के लिए दे रहा है, हमें तो हिंदुस्तान से मतलब, पाकिस्तान से क्या मतलब? पाकिस्तान को टक्कर देता है सनी देओल। कौन? पाकिस्तान। तो देने तो हमें उससे क्या लेने देना, हमें कोई पाकिस्तान हमें खाने को नहीं देता, हिंदुस्तान हमें खाने के लिए देता, पाकिस्तान नहीं देता हमें खाने के लिए। उसमें लड़ाई करा रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? हिंदू मुसलमान सब भाई है, हम लड़के क्या मिलेगा हमें? अच्छा भाई, जो खून तुरा है खून मेरा है, एक ही खून है, लड़के क्या करे? खाओ पियो मस्त लो, लड़के क्या करेंगे हम? जनता के लिए मैसेज ये है कि आप अपने राइट्स को जाने और उसका यूटिलाइज करें। आप अपने पड़ोसी से लड़ रहे होते हैं लेकिन गवर्नमेंट से नहीं लड़ रहे होते थे, यू शुड फाइट विद द गवर्नमेंट आल्सो। ये इलेक्शन है कि कॉमन पीपल को अपना जो वोटिंग का राइट है वो अच्छे से लेना चाहिए। लोग किसानों के मुद्दे को उठाया शाहरुख खान ने इस फिल्म में। मैसेज क्या, मैसेज क्या एक बार एक बार जनता को जो मुद्दे पत्रकारों को उठाना चाहिए था, जो जो मीडिया में बैठे बड़े बड़े एंकर हैं उनको उठाना चाहिए, वो शाहरुख खान उठा रहे हैं। उल्टा हुआ, जो एक्टर हैं वो पत्रकार बन गए हैं, जो पत्रकार हैं वो एक्टर बन गया। द कश्मीर फाइल क्या था? फिल्म में प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं था, एक समुदाय के प्रति नफरत हुई, लोग फिल्म देख कर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ जब शाहरुख खान की फिल्म लोग देख कर आ रहे हैं तो काफी पॉजिटिव अपनी बातें रख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। आपको पता है कितनी पॉजिटिव बातें रख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इसी तरह की फिल्म बननी चाहिए, कॉमर्शियल होती है। शाहरुख खान ने एक समाज को जोड़ा है। इस बार शाहरुख खान 1000 करोड़ लेके जाएगा। बहुत बढ़िया स्टोरी है जवान की, और देखा जाए मूवी करप्शन पे भी बनी हुई है। ये जो हॉस्पिटल में दिखाया, जो फैसिलिटीज बताते हैं कि ये सारी चीज़ें मुहैया हैं हॉस्पिटल में, वो होती नहीं है। बहुत खूब स्टोरी लगी मुझे, और बाप का भी रोल अच्छा करा शाहरुख खान ने, बेटे का रोल भी करा, और कुछ संदेश दिया देशवासियों को। अच्छा। पॉलिटिक्स के लिए आप वोट दें, जो उन्होंने रोल बताया उंगली दिखा के, अपने उंगली की कीमत हम पहचाने। अच्छा। आपकी बार हमें इलेक्शन में जो है शाहरुख खान ने मैसेज दे दिया है, उस तरीके से हमें वोट देना है। जो भी वोट मांगना है, जो भी वोट मांगना है ना, वो जो है उससे सबसे पहले पूछना है कि स्कीम हमारे लिए क्या कर रही है। मैसेज बहुत बड़ा दिया उन लोगों ने, बहुत अच्छी स्टोरी लगी मुझे। सबसे पहली बात है 2023 की सबसे अच्छी स्टोरी लगी, पठान तो थी। कैसी लगी फिल्म भाई? फिल्म ऐसी एक नंबर अच्छी थी। ऐसी फिल्म भाई सिर्फ शाहरुख खान ही ला सकता है, और कोई नहीं ला सकता, कोई नहीं ला सकता, सिर्फ शाहरुख खान ही ला सकता है। सलमान खान तो खैर दोनों ये तो एक ही हैं, एक ही है, लेकिन शाहरुख खान की बात ही अलग है। तो गदर 2 तो धमाल मचा दिया था। गदर 2 से भी ज्यादा बढ़िया है भाई ये। अच्छा। इसमें जो मैसेज मिला है ना वो अलग ही है, अलग मैसेज है। था और बाप का जो किरदार है ना शाहरुख खान का, वो तो अलग ही है भाई। उन्होंने तो तहलका मचा दिया पूरे थिएटर में। क्या लगता है फिल्म स्टोरी क्रिएट कर पाएगी? स्टोरी कर दी यार क्रिएट, 130 करोड़ रुपए कमा लिए एक दिन में, बताओ यार बनाया नहीं बनाया स्कोर। फिल्म में जो मैसेज है सबसे ज्यादा लोग जो चर्चा कर रहे हैं, हमने अभी तक 3 दिन से रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिव मैसेज कर रहा है कि समाज के लिए, क्योंकि किस तरह से डॉक्टर समाज के लिए लड़ता है, किस तरह एक डॉक्टर समाज के लिए लड़ता है, किस तरह से किसानों का मुद्दा फिल्म में उठाया जाता है, उसके बाद जो इस तरह से जो माहौल देश में चल रहा है उसको वोट का अधिकार की बात करें कि अपने एक उंगली का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि जब आप एक सामान खरीदते हैं तो 1000 सवाल करते हैं, लेकिन जब आप किसी को वोट देते हैं तो आप सवाल नहीं करते। तो इसमें सीधा बताया गया कि आप जो सत्ता में जो लोग हैं जो आपसे वोट मांगने आते हैं उनसे सवाल आप जरूर कीजिए, इसमें कहा गया।